जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय सियाराम। मैं वायुसेना वेटरन विंग कमांडर अनुमा आचार्य हूँ। 60 के दशक में मेरी माँ इंदौर के लॉ कॉलेज में पढ़ती थी और उनके साइड के बहुत से रिश्तेदार तब भी और अब भी इंदौर में रहते हैं। तब मुझे इंदौर बड़ा एलीट शहर लगता था। थोड़ी बड़ी हुई तो मीठे स्वभाव के लोगों वाला शहर लगने लगा। लेकिन जब इंदौर जाना कम हुआ तो ये एहसास भी थोड़ा कम हो चला था कि फिर 2 साल पहले इंदौर के एक बहुत सेवाभावी और सहृदय समाजसेवी संजय शुक्ला जी के बारे में अखबार में पढ़ा और फिर मेरे ही परिवार के लखन कक्का जी से उनके बारे में और भी जाना। बहुत खुशी हुई कि इंदौर में अच्छाइयां और अच्छे लोगों की विरासत बनी हुई है और ऐसी ही विरासतें शहर का इतिहास बनती हैं। संजय शुक्ला जी ने क्या नहीं कराया। उन्होंने 500 बोरिंग करवाए, हर साल निशुल्क उपनयन संस्कार करवाते हैं। अभी कह सकते हैं कि इससे तो केवल एक समाज विशेष का फायदा हुआ। तो सुनिए, कोरोना काल में हर व्यक्ति जो उनके संज्ञान में आया उसके लिए रेमडेसिविर से लेकर ऑक्सीजन तक सब या तो खुद के पैसों से या सहयोग से जितना बन सका उससे आगे जाकर और अपनी परवाह किए बगैर किया। खुद के मकान तक उन्होंने सरकार को अस्पताल बनाने के लिए दे दिए थे। ऐसे निस्वार्थ लोग कम ही होते हैं और कमाल की बात है कि इंदौर में अब भी होते हैं। ऐसे भले काम करने वाले व्यक्ति का संकल्प भी भागीरथ संकल्प है। वे शहर के लिए 5 फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण जन भागीदारी से करेंगे और कोरोना में अपनों को खो बैठे जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता भी देंगे। तो क्या ऐसे जज्बे वाले व्यक्ति को शहर के लोग नवाजेंगे नहीं? भाई नेतृत्व मिले तो ऐसा। इंदौर के मीठे लोगों को थोड़े ही याद दिलाना पड़ेगा कि उन जैसे लोगों को हमें बढ़ाना है, क्योंकि वे सामाजिक सद्भाव बढ़ाकर शहर का नाम आगे बढ़ाते हैं। आपने मेरा निवेदन सुना और पसंद भी किया। अब आप कुछ ऐसा करें कि इंदौर को खूब पसंद आए, जैसे संजय शुक्ला जी को अपना महापौर चुन ले। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।